नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, वो चाहे कमी किसी भी चीज की हो, लवणों की हो, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की या किसी भी चीज की, इन सब से खून पर असर पड़ता है। खून यानी हमारा ब्लड। अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो अक्सर थकान, कमजोरी रहना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, हाथ पैरों में सूजन आदि एनीमिया के लक्षण हैं। इस समस्या से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा परेशान रहती हैं। जिन लोगों के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वो लोग एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। एनीमिया के रोगी को लोह तत्व, विटामिन बी, फोलिक एसिड की कमी होती है। कभी कभी अनुवांशिक कारणों से भी यह रोग हो सकता है। यदि आपके शरीर में भी खून की कमी है तो अपने आहार पर खास ध्यान दें। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के आहार या चीजें खाने से खून बढ़ता है और आपका एनीमिया जैसा बड़ा रोग दूर हो जाता है। कुछ ऐसे पारंपरिक नुस्खे तरीके जो आपको एनीमिया जैसी बीमारी से बचाएंगे। एक गिलास सेब का जूस लें, उसमें एक गिलास चुकंदर का रस और स्वाद अनुसार शहद मिलाएं। इसे रोजाना पिएं। इस जूस में लोह तत्व अधिक मात्रा में होता है और आपका खून की कमी दूर हो जाती है। 2 चम्मच तिल 2 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। पानी छान कर तिल को पीस कर पेस्ट बना लें। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार इसे खाएं। आपके खून की कमी दूर हो जाएगी। पके हुए आम के गुदे को अगर मीठे दूध के साथ लिया जाए तो खून बढ़ने लगता है। दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहाएं। सुबह के समय सूरज की रोशनी में बैठें। इससे भी आपके शरीर में खून की मात्रा पर असर पड़ता है। चाय और कॉफी पीना थोड़ा कम कर दें, क्योंकि यह शरीर के आयरन को सोखती हैं और आपके शरीर में आयरन की कमी के कारण खून की कमी आती है। खून बढ़ाने वाले आहार गेहूं, चना, मोठ, मूंग को अंकुरित कर नींबू मिलाकर सुबह नाश्ते में खाएं और धीरे धीरे अपने आप असर पाएं। नमक और लहसुन का नियमित सेवन खाने के साथ चटनी के रूप में करें। हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी आपके शरीर में। अनंत मूल, दालचीनी और सौंफ की समान मात्रा लेकर चाय बनाकर पिएं। दिन में 1 बार लें, खून की कमी दूर हो जाएगी। भुट्टे एनीमिया के रोगियों के लिए पौष्टिक होते हैं। इन्हें सेक कर खाने से इनके दाने बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। मक्के के दाने उबाल कर खाने से भी खून बढ़ता है, इसलिए मक्के के दाने यानी भुट्टे खूब खाएं। मूंगफली के दाने गुड़ के साथ चबा चबा कर खाएं। इससे भी आपका खून साफ होगा और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। फालसा खाने से खून बढ़ता है। फालसे के फल या शरबत को सुबह शाम लेने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। हंसपदी के पौधे का चूर्ण बनाकर शहद के साथ उपयोग करने से खून की शुद्धि होती है और शरीर में साफ खून प्रवाहित होने लगता है। इस चूर्ण को शहद के साथ चाटने या पानी के साथ लेने से खून में वृद्धि होती है और एनीमिया की शिकायत भी दूर हो जाती है। पालक, सरसों, बथुआ, मटर, मेथी, हरा धनिया, पुदीना और टमाटर अपने भोजन में जरूर शामिल करें। इनसे भी आपके शरीर में खून की कमी पूरी होती है। जामुन और आंवले का रस समान मात्रा में मिलाकर पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, खून की कमी नहीं रहती है और एनीमिया जैसे रोगों से आपको छुटकारा मिलता है। रोजाना 1 गिलास टमाटर का रस पीने से भी खून की कमी दूर होती है। टमाटर का सूप भी बनाकर लिया जा सकता है। इससे भी खून की कमी दूर होती है और आपके शरीर में भरपूर मात्रा में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। सिंघाड़ा शरीर को शक्ति प्रदान करता है और खून बढ़ाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। कच्चे सिंघाड़े का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा तेजी से बढ़ती है।
इसलिए खूब सिंघाड़ा खाएं। पपीता, अंगूर, अमरूद, केला, सेब, चीकू और नींबू का सेवन करें और एनीमिया से बचें। अनाज, दालें, मुनक्का, किशमिश और गाजर का सेवन करें। साथ ही रात में सोने से पहले पिंड खजूर दूध के साथ लें और जानें कैसे आपके अंदर खून की कमी दूर हो गई है। तो इसी प्रकार हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे नए नए वीडियोस लेकर। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए।